तो आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बात करने वाले टॉप 10 दांगों जो कि हाल ही में रिलीज हुए हैं। तो 10th और 9th और 8th पे आता है वो मुझे पता नहीं, जो भी आपका मन पसंद हो वो आप इस नंबर पे रख लेना, क्योंकि हमारा प्यारा दुलारा जो टेंसेंट वो हमेशा टॉप 5 दांगों की लिस्ट डालता है। और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा, पर मैंने थोड़े बहुत और चेंजेस किए और इसके अंदर मैंने दो और दांगों ऐड कर दिए हैं और उनकी वो पोजीशन एकदम परफेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग। पर टेंसेंट की लिस्ट के साथ मैंने बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की है। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इसके अंदर जो मैंने डांगुआ लिए हैं लॉन्ग टाइप डांगुआ है और जो शॉर्ट टाइप डांगुआ थे, अगर उनकी लिस्ट आप लोगों को जानना है तो मैं इसे कम्युनिटी टैग में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लेना, क्योंकि मैं उन डांगुओं को देखता नहीं और मुझे उनके ऊपर वीडियो बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो चलो अब बात करते 7th नंबर की डांगुआ जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है अप्रैल के बाद जितने भी डांगुओं के एपिसोड आए उनमें से, और मैं बात कर रहा हूं अप्रैल 2022 के बाद की। तो 7th नंबर पे आता है जेड डायनेस्टी जो कि हाल ही में रिलीज किया गया और इसके अभी तक 14 एपिसोड आ चुके हैं और इसके फर्स्ट सीजन के अंदर होने वाले 26 एपिसोड। और इस डांगुओं की जो वो काफी ज्यादा बढ़िया है और इसकी जो फीमेल कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और इसकी स्टोरी भी काफी ज्यादा बढ़िया है। और इसकी स्टोरी की सबसे खास बात मुझे लगती है इसकी लव स्टोरी, जिसका कुछ अता पता नहीं भाई किधर जा रही, किधर जाके खत्म होगी, कौन किससे प्यार करना चाहता है, कौन किससे प्यार कर रहा है, कौन किससे प्यार करना चाहेगा, कुछ समझ नहीं आता। पर इस एपिसोड की मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक चीज लगती है इसका नेक्स्ट सीजन, क्योंकि वो डेफिनेटली काफी ज्यादा डिले होने वाला है। और 6th नंबर पे आता है मार्शल यूनिवर्स, जिसको मैंने अपनी साइड से रखा है क्योंकि मुझे लगता है कि जेड डायनेस्टी से ज्यादा फेमस मार्शल यूनिवर्स रहा है। अब आपको जो भी सही लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि मार्शल यूनिवर्स टॉप मोस्ट व्यूड डांगों की लिस्ट में आता है, इसलिए मेरी बात मान के इसको 6th नंबर पे रखना ज्यादा सही रहेगा। अब 5th नंबर पे एक ऐसा डांगो आता है जिसको देखना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, यहाँ तक कि उसका एपिसोड 7:30 बजे आता है तो मैं करेक्ट 7:30 बजे उसका एपिसोड देखना स्टार्ट कर देता हूँ। पर एक ऐसे डांगो से हार गया जिसका मैंने सिर्फ एक एपिसोड देखा था, उसके बाद वो डांगो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, उससे हार गया यार। तो 5th नंबर पे आता है हमारा प्यारा दुलारा परफेक्ट वर्ल्ड, पर ये वाली पोजीशन ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है ये डांगो 3rd नंबर डिजर्व करता है, क्योंकि इसकी जो फाइट होती है एकदम तोड़ा ताड़ वाली वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है यार, और ज्यादा दिमाग भी लगाना पड़ता, मुझे पता है कि भाई हमारा हीरो जीत जाएगा। और साथ ही सबसे ज्यादा सुंदरता किसी डांगुआ के अंदर तो भाई यही डांगुआ है, इससे ज्यादा सुंदरता आपको किसी भी डांगुआ के अंदर देखने को नहीं मिलने वाली है, कतई जहर सुंदर फीमेल कैरेक्टर है इसके अंदर भाई साहब, एकदम देखने का दिल गार्डन गार्डन सा हो जाता है। और इसको 5th नंबर पे लाने के लिए क्रेडिट जाता है हमारा टेंसेंट को, क्योंकि जब से पूरी तरीके से टेंसेंट के अंदर आ गया तब से इसकी व्यूअरशिप थोड़ी सी डाउन जाती जा रही है, और ऐसा क्यों है ये तो भाई चाइनीज वाले लोग ही बता सकते हैं, मुझे नहीं पता। और 4th नंबर पे कैसा डांगो जिसका मैंने सिर्फ एक ही एपिसोड देखा है और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, अब ये इतना ज्यादा क्यों पॉपुलर है भाई साहब मुझे कुछ भी नहीं पता है। और मुझे ये भी लगता है जो हमारे टाइप के लोग हैं उनको ये पसंद नहीं आता, चाइना में काफी ज्यादा पॉपुलर होगा, पर मुझे ज्यादा कुछ खास नहीं लगा इसलिए मैंने इसको कभी नहीं देखा है, इसके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहूंगा। बहुत ही अच्छी बात है 4th नंबर पे आ गया, पर हमारे परफेक्ट वर्ल्ड के साथ धोखा किया इसने, सीआओ को इसके यूनिवर्स में भेज के साले को उड़वा दूंगा मैं, क्योंकि हमारा सीआओ कभी भी हार नहीं सकता है। और मामला थोड़ा गड़बड़ाया तो उसकी गर्लफ्रेंड है ही उसको संभाल लेंगी या फिर अपनी सुंदरता का जाल फैला देंगी, सबके सब बस में आ जाएंगे, ये सब तो मजाक की बात थी। पर आप मुझे बताओ कि आपने ये डांगुआ देखा है और आपको ये कैसा लगता है। अब बात करते हैं एक ऐसी डांगुआ की जिसने एकदम भौकाल ला दिया, तो 3rd नंबर पे थ्रोन ऑफ सील, ये हाल ही में रिलीज हुआ और ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया, ज्यादा भी बोलना बहुत छोटी बात है, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ है, क्योंकि 1st और 2nd नंबर पे जो डांगुआ है उनको हराना तो छोड़ो, उनके आसपास भी कोई भी डांगुआ नहीं पहुंच पाया है, उन दोनों की आपस में ही चलती रहती है भाई मैं आगे जाऊंगा बोलता है मैं आगे जाऊंगा। पर काफी टाइम बाद एक ऐसा डांगुआ है जिसने उन दोनों को भी बता दिया भाई साहब तुम भी हार सकते हो। और हम बात करो एपिसोड व्यूज की ना कि टोटल व्यूज की, क्योंकि टोटल व्यूज में उन लोगों के पास पहुंचना बहुत ही ज्यादा वो बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुके हैं, पर आगे चल के कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 2018 से पहले मेरे सभी फ्रेंडों को लगता था कि वू गैंग जी जैसा कोई भी डांगो नहीं आ सकता और ना ही उसे कोई व्यूज में हरा सकता है। और आप मोस्टली लोग नहीं जानते हो कि मैं 2017 से डांगो के ऊपर वीडियोस डाल रहा हूं और मेरा मेन चैनल का नाम है क्यूट लव फेरीलैंड, पर उस पर पुरानी वीडियोस नहीं होंगी क्योंकि पहले मैं म्यूजिक के साथ वीडियोस डाला करता था, फिर यूट्यूब की पॉलिसी चेंज हुई इसकी वजह से मुझे सारी वीडियोस डिलीट करनी पड़ी, पर आपको मेरे इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगे देखने को, एक दो अभी भी उसके ऊपर डली होंगी। और जो 2nd नंबर पे डांगो है उसका मैंने पहला एपिसोड पहले दिन देखा था और उसका नाम है बैटल थ्रू द हेवन। और साथ ही आपको एक और छोटी सी चीज बता देता हूँ जिसको सुनने के बाद आप लोग काफी ज्यादा खुश हो जाओगे, अगर आप बैटल थ्रू द हेवन के फैन हो, जो टॉप फेमस कैरेक्टर है उनमें से नंबर 1 पे चल रही है हमारी क्यून मेडुसा। और ये जो फेमस की लिस्ट होती है ये डिपेंड करता है कौन से कैरेक्टर के सबसे ज्यादा आइटम बिचे हैं, जैसे कि रिंग हो गई या फिर टॉय वगैरह, मुझे ज्यादा कुछ नॉलेज तो नहीं है ये लोग किस तरीके से रैंक करते हैं, इतना ही पता है जिस कैरेक्टर के जितने आइटम बिकेंगे वो उतना ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि हो भी सकता है क्योंकि जितने भी कैरेक्टर वो सभी के सभी फीमेल हैं जो पॉपुलर टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं। और ये आप जो यूनियन के कपड़े के पीसेस देख रहे हो आपको सभी चीज रियल में मिल जाएंगी, चाहे उसकी कोई सी भी ज्वेलरी हो। और नंबर 1 पे हमेशा की तरह हमारा प्यारा दुलारा सोल लैंड, इसको पीछे करना बोले तो यम पॉसिबल, हाँ पर कभी कभार BTTH के एपिसोड्स की व्यूज इसके एपिसोड्स के व्यूज को क्रॉस कर जाते हैं, तो ये दोनों तो आपस में लड़ते रहेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और आप लोग भी मेरे साथ कनेक्शन बना लीजिए और आप मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा
लगवा लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।